भैया रो राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हमें राजेंद्र त्रिवेदी, हमारे सहयोगी है कोमल श्रीव्यास। ये मेरा की लाइव प्रस्तुति है जो एसपी ऑफिस के सामने से मचो का है। जहां देखो जहां गुंडागर्दी अपराध, पुलिस कार्रवाई करत नहीं है। अगर पुलिस समुचित कार्रवाई करे और गुंडागर के खिलाफ एक्शन ले तो शायद घटना में कछु रोक लग सकत, लेकिन ऐसा होत नहीं है। जो मामला है सिटी कोतवाली को, अनूप यादव है टीआई, तेज तर्रार टीआई, ईमानदार टीआई, अच्छी छवि है, काम करवे के लाने जाने जात। लेकिन कोनो कोनो मामला ऐसो आ जात के वे भी मजबूर हो जात, कार्रवाई नहीं कर पाऊ। अब जो मामला हम इनकी कहानी नहीं कि जुबानी सुनवा रहे, बनियन मोहल्ला को मामला है जो इनके संग का घटनाक्रम भव है, कैसी मारपीट भाई की ने मारपीट करी। अब इनकी कहानी नहीं कि जुबानी सुनवा। भाई कहाँ से आई? बनियन मोहल्ला बाईपास रोड। का नाम? सुधा पटेरिया। का हो? सर कछु निवा सर, हम बैठ जी चाय बना रहे थे जी दुकान में, बैठ दी कि आया दो को लड़का आओ वो कल्लू यादव, अंदर घुसने लगो तो जी आए तो जी बोले के भैया कहाँ जा रहे, बोले लाइट लगा बेने के अंदर, आप कहीं इजाजत नहीं है। बोले भोसड़ी के मांदर चूत बहु मताई, जैसी गंदी गंदी गाली आई उसने गाली दी, बोले तुम्हें पसार दे। ये कल्लू हो उसमें बात करियो, तुम्हारी बहुत देर की गम खाए हम तुम्हारे बार आओ। 10 लड़का मैं दूर थाने रोज करा था, हम 6 महीने से देख रहे, लेकिन हम बच बो चाह रहे आपका, लेकिन आप नहीं बचन दे रहे। बोले मादर चोरी तुझका देख तो गाँव से एक जने पंडित जी टटिया बना रहे थे, उनकी कुलरिया छुड़ा के आओ। फिर हमने जो नहीं देख पाओ कि इसकी कुलरिया किसने छुड़ा ली, हम घबरा चुके, अंदर से बच्चा निकले सब लेके का होगा। जी लड़का रात में काम पे था मेरे जाओ उसमें जी सो रहा हूँ तो 9:30 पे इसने हल्ला सुना तो जी जग के बाहर पहुंचा एकदम से कि का होगा। फिर उसने कहा करो कि वो कुलर के छोड़ा ले, किसी ने तो वो भाग के गया तो उसके भैया की जिसकी शादी भाई वो और उसका भैया इतना हरा डंडा बांस का इतना मोटा और एक बारी की तुमिया उकार के दोनों ले आए। वो बाप आया तो शोकेस में के अंदर खड़े थे हम दुकान में, तो उसने बाप ने मेरे बार ऐसे झकीटे और झकीट के गाली देने लगो मार लगो। हमने कि ये जगदीश हो उसमें बात, हमने कि बेबामो नहीं हम कि तुम दबा लो, हम दबे वाले नहीं। सो बोले के है सो गाली खूब दई। फिर घर वाली आई तो उस वो चप्पल हाथ में लेके आई तो उसने ऐसी चप्पल मेक की मारी। हमने कहा हम अगर दुकान की बांट मार दे भी तो इसके लग जे हमें लड़ाई नहीं बढ़ाने जी माने जा रहे। तो फिर उसका भैया आया उसने सोकेस में लात मारी, हाथ मारे, बच्चा आए इनको मारा, फिर चले गए। फिर से आए दोबारा तो डंडा लेके जी मोड़ी आगे हो गई, ऐसी ने समझना हम लोगों को। तो बोलो बहन की लोड़ी तुझको देखता हूँ, वो बस आया तो उसने 2 डंडा, हम ऐसे खड़े थे 2 डंडा इसके पैर में, हमने उसको झकीटा तो वो हमको नहीं मिल पाया पकड़ने के लिए। मताई आई तो उसने हाथ मारे चप्पल मारे, हम आए लड़के इनके जी गिर गई इसके पैर में। लगा देखिए देखिए इसके पैर में जी सूजा है, देखिए जो है भैया गुंडागर्दी को जीतो जागतो सबूती बिटिया को खाओ। फिर से दिखाओ एक बार, देखो मताई के असुआ देखो, बिटियान के असुआ देखो, इसको चेहरा देखो, बता बेटा का भाव कैसी घटना भाई? देखो उसके पैर में किसी से वो भी बार बार आ जाती है हमारे घर पे। हम जब से मकान बनाए हम यादव उनकी माँ ने नहीं रह पा रहे, हमको तो किया तो हमारे मकान पे गुआ हो जाए या न्याय दिवाई जाए। अब हम बहुत परेशान, हम पंडित आदमी है, हम नहीं बेच सकते, हमें बच्चा पाल ले छोटे छोटे भी और तो बड़े बड़े हैं, हमारे घर कोई है नहीं। यादव एक हो जाता हम क्या कर सकते, हमारा कोई नहीं है, बाहर भी जाने पड़े लिख भी जाने सब जगह जाने। सर चलिए थाने में वो आप पूछ लीजिए सबसे, सर बोले तो आप बताइए तो मोने अभी जिंदा ही हो तो थाने में बोले, मेरा कोई गवाह नहीं थाने में का बोले मरी नहीं है अभी जिंदा ही है, जिंदा ही हो मरी नहीं है थाने में आगे उसकी मताइयो बहन कहती कुड़नू हो गई है मेरे से, बोली मेरी दाग हो गई जी महीना भर से, तो बोली कुड़नू हो गई दारी भोग रही, हमने भोग रहा है अपने लाने तुम्हारे लाने तुमको क्या लेना देना है। हमने सर देखिए आप यही थाने में आगे जी लोग मुँह चला रही, तो सर हमसे बोले के आप भी चलाइए, तो मैंने कहा तो लड़की बोली नहीं मम्मी यहाँ हल्ला नहीं करना तुम चलाने दो उसको मुँह। सर हम बहुत परेशान है, 3 साल से मकान बना है कि तो मकान भी गुआ हो जाए कि न्याय दिवाई जाए। सर हम भी सोचते हैं कि जैसी मजूरी हम करती है जैसे पंडित कर, सर हम जी भी पंडित नहीं है कि आज तुम्हारी गाली को मताई सुन ली कल तुम्हें मिल जाए, हम नहीं मिलेंगे सर। कोतवाली से कोनो आश्वासन मिलो कुछ नहीं मिले सर, हम 10:30-11 बजे से बैठे अभी लेकी बहुत रिपोर्ट लेके तेज नहीं बोली परेशानी में, कोई जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए उन्हें और दे 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 रिपोर्ट ले उसे बोले बोले बहस कर रहे तो हमसे।
बोले तुम गाड़ी गए तो मान लो बोले अभी नहीं बैठो यहाँ पर, हम अंदर गए तो बोले बाहर हो हेलो काफी का हमने कही हम मान लो बाहर एसपी साहब लोग जा रहे फिर बाद जाकर उन्होंने रिपोर्ट लिखी हमारी सर सो नंबर गई यार तो फोन लगाए कि फिर से लगा दो आनी जहाँ जब अंदर बिड़िया तो फिर भी बिड़ सकते हैं तो हमने कही फोन लगा दो मोबाइल कहाँ है तो सो नंबर वाला बोलो क्यों भाई कितने बार फोन लगाते हो कितने देर टाइम हो गया तो इस लड़के ने कहते 20-25 मिनट बोले गए क्यों मैं मोबाइल नहीं चलाना जाता हूँ 20-25 मिनट हो गए तुझे बोले सर सॉरी हम बहुत परेशान है सर डर लग रहा है आप आइए तू भी आ गए तो हमसे बोले कि गैलरी में आ गए कुर्सी डाली बैठी है भैया एक घंटा बाद आया बोले 15 मिनट में पहुंचा 15 मिनट की जगह एक घंटे में पहुंचे वो भी 100 नंबर पे गाड़ी को मुझे मतलब जैसे हम लोगों ने कॉल किया तो हम लोगों को बिठा के एसपी ऑफिस लाना चाहिए वो वहीं पे मोहल्ले में खड़े होगा हम लोगों से बोले जाओ कोतवाली बात करी पहले बोले गाड़ी के पास चलो मोहल्लाबाज से बात करी तो बोले हमसे बोले क्यों यहाँ खड़ी हो अपने गाड़ी से जाइए आप तो हमने की सर गाड़ी तो एक ही है तो बोले कुछ लोग पैदल चलो मिल जाएगी ऑटो हमने की ठीक है सर अब हमारी अटकी है अब सर हम न्याय चाहते हम बहुत परेशान है इस मोहल्ला से जो हाल है भैया गुंडागर्दी को जहाँ देखो जहाँ गुंडागर्दी और जो कोतवाली पुलिस की देखो कायरता या कायरता पूर्ण कार्रवाई के ऐसे मामलन पे तुरंत कार्रवाई भाव चाहिए लेकिन कार्रवाई नहीं करी गई धमकी दी जा रही कि जाओ भग जाओ ऐसे मकान में आगे लगा देवी हम अगर हमारी रिपोर्ट करो तो मकान में आगे लगा देवी आए दिन जान से धर्म की मारवे की दी तो पूरी दबके इकट्ठे हो जाते गोली सामने 315 सामान लेके आए भी बोले हम गोली मारते हैं नहीं तो कट्टा लेके आया कट्टा को उन्हें छोड़ा ला उनको सो उन्हें डंडा छोड़ा फिर कुलरिया ले आए तीन सौ कट्टा है वो कट्टे लेके आता हर बार वो किसी से लड़ाई हो वो पहले आता है उनका घर आना पूरे यादव ये कट्टे हो जाते इसका कल्लू को यादव जगदीश का लड़का है और सुमत यादव छोटा लड़का तो इतना ज्यादा जब से उसने हमसे ऐसा करा उसने हमारे साथ में के जो किसी से लड़ाई भाई तो वो पहले गाली दे मारने आया जो है भैया मामला बिटिया बेचारी पढ़वे लिखवे वाली बिटिया है मताई की असूत देखे जा सकत बिटियन के असूत देखे जा सकत आखिर पुलिस होत काय के लाने रक्षा के लाने हो और जब रक्षक भक्षक बन जाए तो जनता जे है तो कहाँ जे है गरीब जे है तो कहाँ जे है सुनवाई करे तो को करे कोतवाली पुलिस को सबसे पहलो दायित्व तो जो हतो कि इन्हें 100 नंबर जैसे ही आई हती तो इन्हें बिठार के ले आती इनकी FIR दर्ज कराती और तुरंत कार्रवाई करती लेकिन इनमें भैया हाथ धरो ऊपर से बुंदेली चुबली साफ खबरन के लाने जाने जा रिपोर्ट जो है भैया एक जात विशेष से जुड़ो मामला है जो और इसमें हाथ की को धरो है जो दुनिया जानत है और हम यह खुलासा भी कर भी को खबर में जो खुलासा भी कर दे भी के हाथ की को धरो की दम पे जो गुंडागर्दी हो रही हो की दम पे जो अन्याय अत्याचार करो जा रहो कट्टा लेके आबो बिटियन के ते घुस जाबो धमकी देबो जान से मारबी की धमकी देबो और जब से जो परिवार उते निवास कर रहो है जब से इनकी यही स्थिति मकान बना जब से नहीं रह पा रहे तब तक मकान नहीं बना था धंधा नहीं था तो कोई नहीं लड़ता था हमसे जब से मकान बना धंधा बिजनेस हो गया तो भी सोच रहे है जी चैन से काय खा रहे मजदूरी सब कर रहे मोहल्ला वाले यादव तो हम क्यों जी काय नहीं कर रहे आज एसपी साहब लोग का सोच हम जो सोच के आगे हमें न्याय मिल जाए या तो वहाँ मकान बिकवाया जाए नहीं तो हम कैसे बच्चा पालो अभी जो है भैया एसपी साहब से सीधी सीधी गुजारिश करी जा रही आंसुअन के संगे संगे देखो जा सकत बिटियन के हसुआ मताई के हसुआ बाप के लड़का ठाणु संगे अगर इसके बाद भी पक्षतापूर्ण कार्रवाई हो रही है न्याय नहीं मिल रहा तो धिक्कारे ऐसे कानून व्यवस्था खा धिक्कारे ऐसी पुलिस खा कि इनके हसुआ ना पहुंच पाए इन्हें न्याय ना दिवा पाए कोतवाली को मामला है कोतवाली क्षेत्र को बुंदेली चुगली जब तक यह खबर चला है जब तक इन्हें न्याय न मिले जो हम ऐलान कर रहे जब तक इन्हें न्याय ना मिले जब तक यह खबर हम बराबर चला भी आज एसपी साहब लोग आए हैं एसपी साहब ईमानदार आदमी है सज्जन है जाने जाते न्याय के लाने न्याय करवे के लाने जाने जाते यही उम्मीद लेके जो परिवार एसपी साहब के पास आओ है यही उम्मीद है कि इन्हें न्याय मिले कुछ नहीं कर सकते एक बार भी घुट सके अंदर कभी भी आ सकते रात में दिन में हम कोई नहीं है पूरा मोहल्ला एक हो जा हम किसी से क्या स्थिति है भैया अब अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो इसको मतलब है कि हाथ की को धरो फोन की को पहुंचो दुनिया जाने जात विशेष का संरक्षण दे के बकोनू नेतागिरी नहीं कहा
धिक्कार है तुम्हारी नेतागिरी का और धिक्कार है तुम्हारी ऐसी। अब क्या कहिए हम आगे, हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन हम खुला था खोल दे भी नाव लेके अंगली खबर चला दे भी, हम नहीं डरा, हम नहीं डरा कोखा नहीं डरा, बुंदेली चुगली निडर निष्पक्ष खबर चलाओ, निर्भीक खबर चलाओ, एक जात विशेष को संरक्षण दे कर इतना बुरो परेशान करो जा रहो बिटिया संगे, बिटियन के संगे मारपीट, मताई के संगे मारपीट, लड़का के संगे मारपीट और जान से मारबे की धमकी दी जा रही और इसके बाद कोतवाली संतोत्कार के भगाओ जा रहा, रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। कई बार इनके संगे जा घटना कई बार, लेकिन हम रिपोर्ट करनी है न्याय के बड़े आदमी का है तो हमें ना जाने पड़े, लेकिन इस बार जब अंदर ही घुस के आए तब आए सर, नहीं तो गाली गलो डंडा लेके तुझे। अंगली साल भी आए थे, इनके मौसी का लड़का भी आया था, लेकिन हमने कही चलो जी छोटी जात का है तो बड़े आदमी का है तो हमें ना चढ़ने पड़े, लेकिन आज बहुत मजबूरी में आने पड़ो। बुंदेली चुगली की भैया जब लाइव प्रस्तुति हम समाप्त कर रहे, लेकिन ये खबर में हम बने रहे भी जोर सुन लो, इनकी एक एक परत खोल दे भी, कोनू गुंडा हो, कोनू माफिया हो, कोनू दादा हो और कोनू ताकतवर हस्ती नेता लगो हो, हम उनकी भी कलाई खोल के रख दे भी। जब तक इन्हें न्याय न मिले, बुंदेली चुगली जब खबर चला है डंके की चोट पे चला है, जब लाइव प्रस्तुति तो हम समाप्त कर रहे, उम्मीद है कि एसपी साहब इन्हें न्याय देबो है और न्याय की जाँच हुई है, अपराधियन का जेल भेजो जे है, तब तक के लाने भैया सबई जन का माई राम राम।